हर एक जनता के साथ परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना में जाए। हर एक जन परमेश्वर को बोले, प्रभु मेरा बोझ को उठा ले, मेरी सारी प्रॉब्लम को दूर कर, मेरी समस्याओं को दूर कर, परमेश्वर मुझे आजाद कर। बोले मैं परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ने दूंगा। ये वर्ड को हर एक जन बोले, बोले परमेश्वर तेरे राज्य को मैं बढ़ने दूंगा, मैं वचन को नहीं दबाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, तेरा राज्य मेरे अंदर स्थापित होगा। बोले वो हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। बोले वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो बढ़ता ही चला। बोले मैं फलवंत होऊंगा, मैं फलवंत हूँ। बोले मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बोले मुझे कोई रोक ना पाएगा, कोई मुझे रोक, क्योंकि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। आमीन। हाय अना, यस आमीन। सभी जन प्रार्थना में जाएं, अपने आप को समर्पण करें। हर एक एक जन उस वचन को आज से दबाना नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आज से स्थापित होना चाहिए। संसार की चिंता और संसार का धन वो दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें आपको दबाने की कोशिश करेगी, परमेश्वर के वचन को, वो वचन अपने अंदर हर दिन बढ़ना चाहिए। कभी वचन सुना, कभी छोड़ दिया, तो वो राज्य स्थापित नहीं होगा, फिर फलवंत भी नहीं होंगे। आज से वो राज्य आपके अंदर स्थापित होना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। वो वचन को आपने दबाना नहीं है, वो गवाही को आपने दबाने नहीं है, वो गवाही को अपना दबाना नहीं है। आपके अंदर पर्सनल टेस्टिमनी, आपके अंदर की टेस्टिमनी, पवित्रताई की टेस्टिमनी को दबाना नहीं है, वो बढ़ना चाहिए हर एक दिन। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं आज, हर एक जनों को शू और मसा कर, हर एक के हाथों में ऑनाइटिंग ऑयल दो और सभी अप्लाई करो। उस ऑनाइटिंग ऑयल को आपको दिया जाएगा आपके हाथों में, विश्वास के साथ लगाएं। उस अभिषेक के तेल को अप्लाई करना है अपने सिर पे, अपने गले में, जो जहां जहां प्रॉब्लम है उसे लगाना है। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रवीश प्रार्थना में जाए। सभी जन हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। नभकत नमशंते रेवे केंद्र नमशंते रेवे कंते, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी ब्लेस करते हैं। हर एक जन को ऑनाइटिंग ऑयल दिया जाएगा आपके हाथों में और उसे अप्लाई करना है जहाँ प्रॉब्लम है। आपका डॉक्यूमेंट, आपका पेपर को भी टच करो। हालेलुया। और बंधन टूटने वाले यीशु के नाम में। सभी जन अप्लाई करो, प्रार्थना में रहें और सभी जन प्रार्थना में रहें, सभी जन प्रार्थना में रहें, सभी जन, सभी जन, सभी जन प्रार्थना में रहे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो। आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आपके पास ऑनलाइन है तो उसे अप्लाई करें। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छुए, छुटकारा दे, बंधन टूटे, हर एक गंदी आत्मा, हर एक खिलाया पिलाया, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय पाने के लिए तैयार हो जाओ। घाव के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर, पत्री के ऊपर, लीवर की प्रॉब्लम के ऊपर हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जो आपके कानों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, उसका लहू आपको जिंदगी देने वाला है। उसके लहू से आजाद और चंगे हो जाए। उस ऑनाइटिंग ऑयल को बोलो कि यीशु का लहू है और ये मेरी जिंदगी है। उस लहू को अप्लाई करें। वो जो ऑनाइटिंग ऑयल है वो लहू है आपके लिए। विश्वास के साथ लगाएं। इसी वक्त आपके लीवर नहीं हो जाए, हर एक गिल्टियां इसी वक्त गेट आउट। हालेलुया, किक देम, किक देम। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में जाए। किक देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, किक देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए।
आमेन। हर एक बंधन टूटे, रोशनी वापस आए। आमेन। कानों से जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, आंखों की रोशनी वापस आए। आमेन। हर एक मोतिया बिंद इसी वक्त छोड़ कर जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आमेन। नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आमेन। Holy Ghost fire, fire. डांटो शैतान को, बोलो बोलो उस बीमारी का नाम लो, डांटो। बैड सिचुएशन जो आपके लाइफ में चल रही है, डांटो डांटो डांटो, गुस्सा करो उस पर। यदि आप चाहते हो कि मुझे सिचुएशन बैड सिचुएशन में नहीं रहना है, तो आपको जबरदस्त प्रार्थना करनी होगी, बोलना होगा, डांटना होगा। आप जब डांटोगे आपके पेट से आवाज आनी चाहिए, हालेलुया। गुस्सा करना है उस पर, डांटना और भगाना है उसको, क्योंकि आपके ऊपर राज कर रहा है वो। शैतान राज कर रहा है, बीमारी राज कर रही है, अंधकार राज कर रहा है, अंधापन राज कर रहा है, बहरापन राज कर रहा है, गुंगापन राज कर रहा है, अंधकार राज कर रहा है आपके लाइफ में। हमने वचन सीखा है कि वचन आपके अंदर राज करना चाहिए, तो उसकी हिम्मत कैसी कि आपके अंदर राज करे, क्योंकि आप वचन को राज नहीं करने दे रहे हो, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई है शैतान की बीमारी की, दुष्टात्मा की। आए बोलो हर एक शैतानी ताकतें, बोलो हर एक दुष्टात्माएं, बोलो होली गॉस्ट फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर, डांटो, गुस्सा करो, डांटो डांटो, सभी आंखों को बंद करो, डांटो शैतान को। बीमारी जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के अंदर है, आपके लाइफ में है, आगे ना मानने वाली शैतान काम कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, डांटो उस शैतान को, दुष्टात्मा को, डांटो डांटो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, बोलो होली गॉस्ट फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर, हर एक बीमारी का नाम लो, डांटो। जो हर एक अटैक के नीचे, बोलो होली गॉस्ट फायर, हर अटैक, हर एक दुष्टात्मा, डांटो, ऐसे हाथ करो, बोलो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, हर एक शारीरिक कमजोरी के ऊपर फतह पाए, होली गॉस्ट फायर, हर एक दुष्टात्मा को बोले होली गॉस्ट फायर, हर एक शैतानी जड़े उखाड़ के फेंकती है इसी वक्त के नाम में, होली गॉस्ट फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, बोले शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो, बोले शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो, बोले दुष्टात्मा दूर हो जा, हे दुष्टात्मा, बोलो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो आप उस शरीर का जो अंग में जो प्रॉब्लम है, बोलो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, इसी वक्त चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आमेन। हर एक गिल्टी इसी वक्त बी वैनिश्ड, आमेन, और गायब हो जाए, आमेन। हर एक पथरी जाए, आमेन। हर एक मौसमिया जाए, जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, आमेन। मैं प्रार्थना करती पेट की रोग से आजाद हो जाए, आमेन। फेफड़ों में प्रॉब्लम आजाद हो, चंगे हो जाए, आमेन। हार्ट में जो प्रॉब्लम है चंगे हो, आजाद हो जाए, आमेन। डांटो डांटो शैतानी ताकतों को, होली गॉस्ट फायर बोलते हुए यीशु के नाम में, फायर, डांटो डांटो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, सभी यीशु की तारीफ हो, डांटो शैतानी ताकतों को, हालेलुया, प्रार्थना करो, हालेलुया। हर एक स्पिरिट को, हर एक अंधकार की शक्ति को करो करो, प्रार्थना करो, डांटो शैतानी ताकतों को, बोलो होली गॉस्ट फायर, 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 डांटो करो स्पिरिट को यीशु के नाम में, करो 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 करो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, डांटो, गुस्सा करो दुष्टात्मा पर, हालेलुया, ओ रब बखत, करो करो प्रार्थना यीशु की सामर्थ्य ना, कोई भी इधर घूमना फिरना नहीं चाहिए, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चा भी हो, यदि संडे स्कूल टीचर है तो उनको संभालो, इनको सिखाना यहीं पर ही बच्चों को, जो फालतू इधर उधर के घूमते रहते हैं ये लोग, हालेलुया, क्योंकि प्रभु के प्रेजेंस का आदर करना सिखाना है अभी से ही, हंसता है तो उसी समय उनको डांटो, उनको समझाओ, हालेलुया, सभी जन अपनी आंखों को बंद करो, डांटो शैतानी ताकतों को, करो प्रार्थना, हालेलुया, करो करो करो, डांटो स्पिरिट को, बोलो हर एक शैतानी ताकते जाए, जाए, बोलो हर एक दुष्टात्मा जाए, जाए, बोलो हर एक गंदी आत्मा जाए, जाए, करो करो प्रार्थना, हालेलुया, करो करो, कमांड करो, कमांड करो, ऊंची आवाज में, एक तरह की दुष्टात्मा है अजीश के साथ, धन्यवाद, सभी जन डांटना शुरू करें उस हर एक शैतान की युक्तियों को जो आपके घरों में कार्य करती हैं, जो आपके जीवनों में कार्य करती हैं,
जो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कार्य करती हैं, सभी जन आज डांटना शुरू करें, अपनी आंखों को बंद करें और डांटना शुरू करें, गुस्सा करें और कहें कि हर एक तरह की दुष्ट आत्मा जो आपको घेरे हुए हैं, आज आपको छोड़ के जाए, आज आपको छोड़ के जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जन आज डांटना शुरू करें, अपने मुखों को खोले और डांटे हर एक तरह की दुष्ट आत्मा जो छुपी हुई है। आज होली गॉस फायर फायर फायर, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आज तुम्हारे मुंह के अंदर आग का अंगार जाए, चल जाए, जाए आपके घरों को छोड़ के जाए, जाए। थैंक यू। हर एक तरह की जो प्रॉब्लम, जो शैतान की युक्तियां आपके बिजनेस पे हैं, आपके हाथों की कमाई पर है, जो घेरे हुए हैं, आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु के नाम से जाए। सभी जन अपना मुंह खोलकर कहे जाए, यीशु के नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक वो दुष्ट की योजना जो आपके मैरिड लाइफ को घेरे हुए हैं, जो आपकी आपकी मैरिड लाइफ पे कार्य करती है, आज वो यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह का इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां, होली गॉस्ट फायर फायर फायर। आज जो भी आपको पेट में प्रॉब्लम है, वो इन्फेक्शन है, वो ट्यूमर हो सकता है, वो स्टोन, वो सिस्ट, यीशु के नाम से मेल्ट हो और बाहर आए, यीशु के नाम से मेल्ट हो और बाहर आए, वैनिश हो जाए यीशु के नाम से, वैनिश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने हाथों को उठाए और डांटना शुरू करें। वो दुष्ट की योजना जो आपके घरों में कार्य करती है, वो छुपी हुई दुष्ट आत्मा, आज यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। आपके बच्चों के जीवन से हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आज जाए, आज जाए, आज जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गर्जे की दुष्ट आत्माएं, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शुगर की बीमारी, होली गॉस्ट फायर फायर। बीपी की प्रॉब्लम, जो बीपी अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होता है, आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु के नाम से जाए। हर एक तरह का इन्फेक्शन जो बार बार आपकी बॉडी में आ जाता है, बार बार आपके ऑर्गन्स में आ जाता है, इसी वक्त वो नाम जो सब नामों से आला है, और यीशु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। आज हर एक तरह की इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, आपकी बॉडी को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक मुर्दा गर्भ आज जीवित हो जाए, मुर्दा परिस्थितियां आज यीशु के नाम से जीवित हो जाए। हर एक तरह की आपके जीवन की मुर्दा परिस्थिति आज यीशु के नाम से जीवित हो जाए। कलीसिया वो मुर्दा परिस्थिति का नाम ले और कहे कि यीशु के नाम से जीवित हो जाए, वो यीशु के नाम से जीवित हो जाए, वो रास्ते जो बंद है यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, यीशु नासरी के नाम से हर एक बंद दरवाजा आज खुल जाए, आज खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों की बीमारियों से आजाद हो जाए, वो हड्डियां जो इस समय गैप है, जो प्रॉब्लम्स में है, यीशु के नाम से वो चंगाई हो जाए, वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। हर एक चीज जो जो मेडिसिन लेता है, बोलो हर एक मेडिसिन, बोले यीशु के नाम में जाए, बोले मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। कितने लोग मेडिसिन लेते हैं, बोलो होली गॉस्ट फायर फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर फायर। मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आग गिरे और चंगाई मिले, बोलो होली गॉस्ट फायर फायर। जो मेडिसिन खाते हैं, लगातार खाते हैं, डिप्रेशन के, बीपी के, इसके उसकी इसके, बोलो होली गॉस्ट फायर फायर, होली गॉस्ट फायर फायर, होली गॉस्ट फायर फायर। यीशु के नाम में जाए, जाए। हर एक मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, आमीन। हर एक मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, आमीन। बोलो यीशु के नाम में जाए, जाए। बोलो परमेश्वर में मेडिसिन नहीं लेना चाहता, आज से आप कौन सी मेडिसिन लेंगे, बोलो वचन की मेडिसिन लेंगे, बोलो आज से मैं वचन का मेडिसिन लूंगा, बोलो मैं संगति की मेडिसिन लूंगा, और मैं कोर्स को हमेशा कंप्लीट करता जाऊंगा। आज प्रार्थना करते स्पिरिट छोड़ कर जाए, अरे खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र बहाने से खिलाया है, होली गॉस्ट फायर फायर। जो शैतान आपके शरीर में एक ऐसा स्थान बना देता है जहाँ पर वो रहना ठहरना शुरू कर देता है,
वो शरीर में जो शैतान का एक स्थान है उसी वक्त उसको गिराओ, तोड़ो उसके घर को। हर एक शैतानी ताकतों को होली घोस्ट फायर, फायर शैतान के गढ़ को मैं ढा देती हूँ, आमीन। उसके घर को मैं गिरा देती हूँ, यस आमीन। ये शैतान दूर हो जा, आमीन। शैतान दुष्ट आत्मा जो आपके घर में काम कर रहा है, जो आपके शरीर में काम कर रहा है, आपके शरीर के बॉडी के किसी भी कोने में काम कर रहा है, वो जो बीमारी ने घर बनाया आपके अंदर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, ये घर बनाई जा रहा है, ये बोलो घर को तोड़ने के लिए आजाद हो जाओ, आमीन। बोलो होली घोस्ट फायर, फायर। बोलो होली घोस्ट फायर, फायर। शैतानी घर को इसी वक्त गिराना शुरू करो, बोलते हुए होली घोस्ट फायर, फायर। बोलो बार बार होली घोस्ट फायर, 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 फायर। बोलो बोलो फायर, परमेश्वर की आग उतरे, आग उतरे इसी वक्त, हालेलुया। फायर, 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 फायर। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आमीन। आपके घर में जो काम नहीं बन पा रहा इसी वक्त काम बनने लगे, आमीन। हर एक एनिमल के स्पिरिट से आजाद हो जाए, आमीन। हर एक जानवर के स्पिरिट से आजाद हो जाए, आमीन। हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा जो सपने में अटैक करती आजाद हो जाए, आमीन। हर एक गलत चीजें छोड़कर जाए, जाए। मैं प्रार्थना करती जो शैतान को डराता है, धमकाता है, होली घोस्ट फायर, फायर। भाई होली घोस्ट फायर, गेट आउट, गेट आउट। बोले यीशु के नाम में जाए, जाए। बोले यीशु के नाम में जाए, जाए। हर एक चिंताएं, हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़ कर जाए, जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए, आमीन। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए, आमीन। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, आमीन। हर एक शैतानी घर को हम ढा देते, गिरा देते हैं, आमीन। अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आमीन। Be healed and be delivered. Yes, amen. मैं प्रार्थना करती हूँ आपका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, आमीन। आपके परिवार में ब्लेसिंग्स उतरे, आमीन। आपका घर फिर से बसाया जाए, आमीन। आपके घर में किसी चीज के प्रॉब्लम ना हो, आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ, और मैं पूरा करूंगा। जो धर्म और राज्य की खोज करेगा, जो कभी भी वचन को अपने लाइफ में दबाएगा नहीं, परंतु स्थापित करेगा अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने लाइफ में, वो बढ़ता जाएगा और वो आनंद रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पासपोर्ट को मैं वीजे के साथ ब्लेस करती हूँ, आमीन। आपके पासपोर्ट को वीजा के साथ रास्ते खुल जाए, आमीन। आपके डॉक्यूमेंट पेपर मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में, आमीन। आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते हैं, आमीन। आपके जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट की घोषणा करते हैं, आमीन। आपकी लाइफ सेम न रहे, आमीन। जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ पूरी तरह से परमेश्वर को बाहर निकाले उस बैड सिचुएशन से, आमीन। हर एक नशे की आत्मा, बोलो होली घोस्ट फायर, फायर। जो नशा करते हैं नशे की आत्मा छोड़ कर जाए, जाए। जो सिगरेट पीते हैं यीशु के नाम में जाए, जाए। हर एक नशा, छोटा नशा, बड़ा नशा, भाई होली घोस्ट फायर, 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 फायर उतरे यीशु के नाम में, आमीन। और नशे के प्रति नफरत पैदा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। डांटो इस शैतानी ताकत को, नशे की आत्मा को बोलो मेरे अंदर से जाए, जाए, जाए। किसी को जानते कि नशा करता, बोलो उसके जीवन से जाए, के जीवन से जाए। नशे की आत्मा हर एक को छोड़, हर एक लड़के लड़कियों को छोड़, हर एक जवान लड़कियों को छोड़, और नफरत पैदा करती, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने मौजूद है, नशे की आत्मा, वे विचार की आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, भाई होली घोस्ट फायर, गेट आउट। बहुत से लड़के और लड़कियां, यूथ जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शैतान यूज कर रहा है, गलत काम करवा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, आमीन। जिसको आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बेटा बदले यीशु के नाम में, आमीन। आपके बेटी बदले यीशु के नाम में, आमीन। आपका बेटा जो गलत चीजों में पड़ा यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। आपके बेटी जो गलत चीजों पड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। आपका हस्बैंड, आपके वाइफ गलत चीजें पड़ा या पड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। प्रभु दया करो और छुड़ा ले, आमीन। जो गलत रिलेशनशिप में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमीन। जो डाइवोर्स की बात कर रहे हैं उसे यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, आमीन। आप प्रार्थना करते हैं आजाद हो जाए, आमीन। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोले, यस आमीन। परमेश्वर मदद करे, आमीन। आपके लिए रास्ते खुल जाए, आमीन। ब्लेसिंग के रास्ते खुले, यस आमीन। आशीषों के रास्ते खुले, आमीन। बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, आशीषों के, आमीन। वो आप फाइनेंस के रास्ते खुले, आमीन। न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करते हैं, आमीन। प्रभु को ऊंचा करे और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर को ऊंचा करे और ज्यादा ऊंचा करे,
वो लोग आज से हम परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर स्थापित करेंगे, परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर स्थापित करेंगे, अपने घरों में स्थापित करेंगे, अपने घरों में स्थापित करेंगे, अपने परिवार में स्थापित करेंगे, अपने परिवार में स्थापित करेंगे, और ये वचन बढ़ता जाएगा, और ये वचन बढ़ता जाएगा। मैं वचन को दबाऊंगा नहीं, और मैं वचन को दबाऊंगा। वचन को दबने का मतलब है कि आप फलेंगे फूलेंगे नहीं, वचन को दबने नहीं देना है, वो वचन को अपने जीवन में काम करने दे। हर दिन वचन को अप्लाई करें, अपने आंखों में सुरमा लगाएं, अपने माथे के में वचन आपके माथों के बीच में टीके का काम दिया करेगा, आपके हाथों में वचन को बांध के रखना है, वचन अपने के गले का हार बनना चाहिए, सारे श्रृंगार है आपका, टीका फिजिकल लगाने की जरूरत नहीं है, वचन का टीका लगाना है, धागा बांधने की जरूरत नहीं है, वचन का धागा बांधना है। हालेलुया। और आज से आप गले का हार बनाना है परमेश्वर के वचन को। हालेलुया हालेलुया। बोलो आज से परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर स्थापित होकर वो बढ़ेगा। यस आमेन। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ, और वो आवश्यकता का मतलब होता है कि आपकी जरूरतें, आपको जो चाहिए, हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग, फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, पासपोर्ट ब्लेसिंग, व्हाटएवर आप चाहते हो प्रभु देगा, बट आपको प्रभु का बनना होगा। उद्धार पाना है आपने, विश्वास के साथ चलना है, पीछे नहीं हटना है, और परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया हालेलुया। हाथ जोर से परमेश्वर की ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया। जब आप अपने घर जाए, ये वचन आपके साथ चले, परमेश्वर की अगुवाई करें। आमीन। अब जहाँ जाए, बाहर जाना, अंदर आना, सुपर ब्लेस्ड हो। आमीन। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे, सुपर ब्लेस्ड हो। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ वीजा का एक्सटेंड यीशु के नाम में एक्सटेंड होने लगे। आमीन। जिनका पेपर में रुकावट आ रही, यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए। आमीन। आपका बंद बिजनेस खुल चुका है, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, प्रभु बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करना। आमीन। और जो प्रेग्नेंट है, कंसीव किया हुआ है, परमेश्वर दया करना, आशीष करना, साथ रहना, परमेश्वर 9 महीने तक माँ और बच्चा को संभाल के रखना। आमीन। और परमेश्वर तेरे हाथ में सबसे बड़ी गवाही आ चुकी है यीशु के नाम में। आमीन। उद्धार करना, एक एक व्यक्ति लाखों लोगों को बचाने वाला बन जाए, और राज्य, परमेश्वर का राज्य हर दिन बढ़ता ही चला जाए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं, अपने सरों को झुकाएं। सामर्थ्य चाली परमेश्वर पर प्रधान चंगाई देने वाले प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज हर एक जनों को अपनी पवित्र और जीवित पाक सामर्थ्य बड़ी हजूरी में लेकर प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। ये केवल और केवल आपका अनुग्रह प्रभु यीशु राजा, जगह बे जगह से आपने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने वचन से तृप्त किया, वर्शिप करने में सभी की मदद और सहायता किया, कनेक्ट होने में प्रभु सहायता किया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो वचन का बीज प्रभु आपने हर एक के जीवन में बोया है प्रभु, उसमें बने रहने में हर एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। सर्वदा प्रभु आपकी ओर देखते रहें, और आपके वचनों को परमेश्वर थामे रहने का आत्मा देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दिन के रहते हुए समय को आपके हाथों में देते हैं, आने वाले वीक के डेज को भी आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते प्रभु। जब अपने घरों में जाते हैं प्रभु, इनके व्हीकल्स को, इनकी गाड़ियों को प्रभु आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते प्रभु, जैसे प्रभु आप सही सलामत लेके जाने में भी मदद करना, सहायता करना, और वो अभिषेक, वो मसा जो आपकी पवित्र हजूरी से ग्रहण किया, रिसीव किया प्रभु, वो इनके घर में भी जाने के लिए और इनके घर में ठहरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते। वो मसा परमेश्वर पिता आज इनके घर की दीवारों पर ठहरे, फर्श पे, एक एक चीज पे ठहर जाने के लिए, और जो सदस्य घर पे उनके ऊपर भी ठहरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन कलीसिया को ब्लेस किया, यहाँ पर मौजूद सभी को ब्लेस किया, और प्रभु बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने हमें गवाहियों के साथ ब्लेस किया है, परमेश्वर हमें संभालता छुड़ाता, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों को आपके अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की सच्ची दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, अब से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहे। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सभी जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी प्रार्थना सभा 25 जुलाई के लिए। सभी जन अभी से सभी जनों को इनवाइट करते हैं
आने वाली बड़ी मीटिंग जो 25 जुलाई की है, चर्च का एनिवर्सरी है, सभी जन अपनी टिकट्स को बुक कराएं। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, और जो आपके स्क्रीन के ऊपर गवाही भेजने का नंबर है उस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर प्रार्थना करवाने के लिए, उस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते, अपनी इंफॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, और लगातार अपने बीजों को बोते रहें परमेश्वर के भवन की जमीन के लिए, 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए, सुसमाचार के लिए, एवेंजलिज्म के कामों के लिए, प्रभु के भवन की जरूरतों के लिए। हालेलुया। तो आप अपने बीजों को QR स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। तो पीछे बाइबल काउंटर ओपन हो जाएगा, तो सर जो लोग बाइबल लेना चाहते हैं, वचन लेना चाहते हैं, तो आप वहां से बाइबल काउंटर से आप खरीद सकते हैं।